हाँ, मेरा नाम आरिफ हुसैन। आरिफ साहब के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं महफिल कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। आपके सवाल का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप अपने शहर से निकल के आते हैं तो रिहाइश जो है ये एक सबसे बड़ा मसला है किसी भी स्टूडेंट के लिए या स्टूडेंट से आगे किसी भी मुसाफिर के लिए। तो ये जो मुसाफिरखाने बेसिकली बनाए जाते हैं, इनको ये उन लोगों की रिहाइश की सहूलत या आर्जी रिहाइश की सहूलत के तौर पर बनाया जाता है मुसाफिरखानों को, के जो या कारोबार से मुंसलिक हैं या खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाते हैं या कोई और परेशानी होती है, जिनका सफ़र करना होता है और सफ़र में एक पड़ाव की हैसियत इन मुसाफिरखानों को हासिल है। और जहाँ तक बल्तिस्तान के मुसाफिरखानों की बात हो रही है तो जितनी मेरी अपनी मालूम है मैं उसी हद तक बात कर रहा हूँ, यानी कि जितना मेरा अपना तजुर्बा है या मैंने खुद देखा, तो हमें ये नज़र आता है कि ये मुसाफिरखाने किसी तालिबे इल्म को बेस करके या उसको फोकस करके नहीं बनाए जाते या ये तलबा के लिए नहीं बनाए जाते। इसका बुनियादी मकसद होता है आर्जी तौर पे आने वाले एक आध दिन रहने वालों के लिए बनाना, बीमारों मुसाफिर के के लिए, लिए ज्यादा नहीं मुसाफिरों के लिए, बेसिकली फोकस ही मुसाफिरों के लिए। एक स्टूडेंट जो है उसकी रिहाइश का और एक मुसाफिर की रिहाइश का अगर हम देखते हैं तो इसमें ज़रा फर्क नज़र आता है। फर्क ये है कि एक स्टूडेंट को अपनी डिग्री के हासिल करने तक एक मखसूस टाइम देना पड़ता है, वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, और एक से 2 साल कोई मुख्तसर मुद्दत नहीं है। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन तो आप लोगों पे लागू किए गए हैं, जो स्पेशली बॉयज होते हैं उनके लिए तो है ना, हर उसमें होते हैं, तो आप वो बताएं कि कैसे रूल्स रेगुलेशन आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स में ये कि रात को जल्दी आ जाना हाउस में, और किचन सफाई का खास ख्याल रखना होता है, कमरों की सफाई का खास ख्याल रखना होता है, और अदायगी जो फीस की अदायगी महीने की जो है यकून को जायज़ के पास जमा करना होता है, यही सिस्टम है। और इसके अलावा हम स्टूडेंट्स पर ये जिम्मेदारी आई थी साल में पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनकी पढ़ाई के लिए कोई मतलब खास कोई इकदाम उठाए जाते हैं, जैसे कि कोई विजिट के लिए अराउंड कोई लगाता रहता है कि कोई वो मोबाइल फोन में ना लगी हो या किसी और काम में ना, मतलब नाम तो सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई का ले रहे हो लेकिन किसी और काम में तो नहीं वो लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो आप लोगों में से कोई और कुछ ब्रीफ करना चाहता है कैसी हवाले से बताएं। मेरा नाम शमसुल हसनैन है और मैं गोलगांव से ताल्लुक है मेरा, और मैं अभी सेकंड ईयर कम्प्लीट कर चुका हूँ और प्री मेडिकल बी एम सी टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि गोलगांव से ताल्लुक, गोलगांव के बारे में कहा जाए तो 36 जमात से मैं इस्लामाबाद में पढ़ रहा हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि मतलब जब भी हमें छुट्टियाँ होती है, वैसे बाय द वे मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा हूँ, फिर जब भी हमें छुट्टियाँ होती है तो फिर मैं बाज़ार का खुद और मेरे जो तमाम साथी हैं वो हॉस्टल की जगह इस गोल हाउस को प्रीफर करते हैं। गोल हाउस को प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे वह हमें वो इन्वायरमेंट दिया जाता है जो अपने वाले घर वाले अपने बच्चों को देते हैं, खासतौर पर हमारे जो गार्डन साहब हैं सर हजी हसन साहब, ये हमें बिल्कुल अपने वालदेन की तरह ख्याल रखते हैं। और बाज़ अवकात बसा अवकात वो मतलब किसी भी टाइम हमें चेक करने आ जाते हैं कि बच्चे कोई कोई किसी और काम में तो नहीं इन्वॉल्व हो ना, कोई काम अगर कोई बच्चा पढ़ाई से हट के कोई गाने वगैरह सुन रहे हो या इस तरह कुछ, तो आज साहब हमें अपने वालदेन की तरह बिल्कुल डांट डपट कर लेते हैं। उसी वक्त तो हमें मतलब थोड़ा बुरा लगता है लेकिन बाद में हमें एहसास भी होता है कि मतलब जो है ये हमारे ही अपने करीब है। और सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि हमें 10-11 बजे से पहले पहले इंटर होना होता है उसमें, अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है उसमें, ये होता है कि मैं थोड़ा डांट डपट कर लेते हैं और अगर फिर भी ना माने तो बाहर ही रह जाते हैं, बस बाहर ही रह जाते हैं। वो आपकी ये है कि फिर भी जो है वो अलाउ करते हैं आने की जो है लेकिन एक पनिशमेंट की तुम है ना। अच्छा हाजी साहब से मैं कुछ पूछना चाहूँगी इस सवाल के बारे में ना, क्योंकि ऊपर फैमिलीज भी आई थिंक हैं, फिर नीचे आपने बॉयज़ के भी सेटअप बनाया हुआ है, तो कुछ मेल्स भी आते हैं जो स्टूडेंट नहीं होते, तो उन सब के लिए आप कैसे कैसे आपका रूल्स होते हैं ना कि हर किसी के अलग अलग फॉलो किया जाता है ना, तो स्टूडेंट के लिए सबसे ऊपर आखिरी वाला ऑपरेशन ये हुए, फैमिली के लिए दरमियान वाला है, तो जो फैमिली वाले हैं उनके लिए कैसे चार्जेस हैं अभी दरमियान है, उनके लिए कमरों के हिसाब से कमरों के हिसाब से तो कमरे के कितने चार्जेस हैं कमरों
کی 300 بھی ہے، 400 بھی مختلف ہے کم لوگ کا، اور اس میں ہی ان کا کھانے کا سارا انکلوڈ ہے، وہی دو ٹائم کھانا ان کے لیے. تو کھانا بنانے کے لیے کوئی باہر سے کوئی آپ رکھے ہوئے یا سارے یہی کھانا باہر سے بنا کر آتے ہیں سالن اور تندور سے روٹی لاتے ہیں یہاں؟ صحیح. اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی طریقے سے ان سب معاملات کو، یہ تینوں پورشنس کو جو آپ ہینڈل کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی آپ کو ان کے حوالے سے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں کھا پی کے چلے جاتے ہیں، صفائی کا کوئی خیال نہ رکھتے ہوں، یا کوئی ایسے پرابلم کوئی فیس ان کے حوالے سے کرنا پڑتا ہے؟ سب کو بتایا ہوا ہے کہ اپنا کمروں کے حفاظت، اچھا صفائی، اچھا کچن کی صفائی، اپنے برتن کی صفائی، ہر ایک کو بتایا ہوا ہے. الحمدللہ سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں. صحیح. چلیں، بہت بہت شکریہ. میرا نام حاجی غلام رسول، اسکردو کومرہ سے میرا تعلق ہے. وہاں سے میرے فیملی کو ریفر کیا گیا اسکردو ہاسپٹل سے، تو میں علاج کے لیے، بچوں کے علاج کے لیے یہاں فیملی آ گئے تھے. تو یہاں آنے کے بعد پھر رہائش کا پرابلم آ گیا، تو پھر ایک دو مسافر خانوں کے اندر ہم نے معلومات کی، تو یہاں پہ یہ معلومات ہمیں یہ ملا کہ گول ہاؤس میں دوسروں سے کچھ سہولیت ہے، کیونکہ ہر پیشنٹ کے ساتھ آنے والے کا یہ فکر ہوتا ہے کہ اس کے اخراجات، آگے ڈاکٹرز کی کیا رپورٹس ہوں گے، کتنے اخراجات ہوں گے، ان کی فکر یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم خرچے میں اپنے دن گزارے. تو یہ معلومات میں یہاں پنڈی میں آنے کے بعد کئی لوگوں سے ملے، تو کچھ لوگوں نے گول ہاؤس کی تعریف کی، جس کی وجہ سے پھر میں یہاں پر آ گئے فیملی لے کے. تو یہاں گول ہاؤس کے جو انچارج ہے حاجی حسن صاحب، ان سے ہمارے ملاقات ہوئے، تو ہم نے اپنی ریکویسٹ ان کے سامنے رکھا کہ ہم فیملی لے کے آیا ہے اور اسپیشلی پیشنٹ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں پیشنٹ ہے اور وہ علاج کے لیے لایا ہے، اور یہاں ہولی فیملی بھی یہاں کے قریب میں ہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس رہنا پسند کریں گے اگر آپ ہمیں کچھ فیسلٹیز دیں. تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے فوراً ہی یہ جواب دے دیا کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں تو ہم آپ کے لیے کچھ رومس ہائر کریں گے، اور اس روم کی چارجز جو ہے وہ ڈیلی کے بیسک پر جو عام لوگوں کے ہوتے ہیں، اسی کے جو ہال میں رہتے ہیں جو ون جو اس حساب سے ہم آپ سے لیں گے، اور آپ دونوں فیملی ہونے کی وجہ سے ہم کمرہ آپ کو خالی کر کے دیں. السلام علیکم. تو آپ اپنا انٹرو تھوڑا سا دیں گے کہ آپ کا نام کیا اور آپ جی وی میں کس ایریا سے بلانگ کرتے ہو؟ وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل میرا نام محمد علی ہے، میں اسکردو سے میرا تعلق ہے، گاؤں اسکردو سے گریٹ گھنٹے کا سے دیواد سے میرا تعلق ہے. میں یہاں پہ بی ایس آنرس کیا ہوں، ہیومن فیزیالوجی میں ماسٹر کیا ہوں فرام ڈی سی فیصلہ آباد سے. ابھی میں یہاں پہ ریسنٹلی جاب کر رہا ہوں ایکسل ڈائگنوسٹک لیب اسلام آباد بھولے ہوئے ہیں. تو آپ ادھر یہ آئی تھنک مسافر خانہ ہے یہ قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، تو یہاں پہ آپ ابھی کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں رہ رہے ہو؟ جی میں یہاں پہ نہیں رہتا ہوں، میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. آج میرا یہاں پہ جو کزن تھا وہ یہاں پہ کالج میں پڑھا تھا سوگالی سے اسلام آباد میں، تو اس کا سمر ویکیشن آ گیا تھا، چھٹی ہو گیا تھا، تو اس کو بس یہ 8 ڈے تک ڈراپ آؤٹ کرنے کے میں یہاں پہ. آپ کا کزن یہاں پہ رہتا ہے اور آپ ہاسٹل میں رہتے ہو؟ جی جی. تو ڈفرینس کیا ہے ہاسٹل میں اور ان مسافر خانے میں؟ کزن یہاں پہ نہیں رہتا، وہ صرف ایک مطلب یہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے یہاں پہ 5 سے 10 منٹ کا یا آدھا گھنٹہ. اچھا صحیح صحیح. صحیح. تو آپ کے لحاظ سے کیا ہے کہ مسافر خانے اور ہاسٹل میں کچھ ڈفرینس ہے؟ لاٹ آف ڈفرینس ہے. کیسے کیسے ڈفرینسز ہیں؟ ہاسٹل میں یہ ہے آپ اپنے کام سے کام رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی ڈسٹربینس نہیں ہے، وہاں سے کوئی انٹرفرینس نہیں ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ لیولس کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، فار ایگزامپل یہاں پہ پیشنٹس بھی ہوتے ہیں یا دوسرے کاروباری لوگ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ڈفرینٹ اینگلس سے اپنا ذمہ داری یہاں پہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمس اس طرح ایشوز آتا ہے یہاں پہ. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں، یہاں پہ ہمارے ڈفرینٹ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ، تو سم ٹائمس یہ ہوتا ہے وہ لوگ اپنا جو کام ہے آسان طریقے سے مطلب وہ سمپ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اسٹوڈنٹ سے گردن پہ ایک برڈن سا فیل ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو زبردستی یہاں سے لے کے جاتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں یہ کام کرنا پڑیں گے. تو ہمارے جو اسپیشلی جو بلتی کلچر میں ہمارا ایک احساس ہے ہم نہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا ہم ہیلپ آؤٹ ہر کسی کی کرتے رہتے ہیں. دوسری بات ہے ہمارے جو پر دادا جو ہمارا کسٹم اینڈ ٹریڈیشن سے چلتا آ رہے ہیں کہ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ نہ ہم نہ نہیں کہہ سکتے، اسی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو اسٹڈی بھی شاید ناٹ آؤٹ اس میں بہت ان سے افیکٹ پڑ رہے ہیں، جتنا وہ اسٹڈی اپنا آؤٹ کمس میکسیمم
लेना चाहते वो नहीं ले रहा था, इस वजह से ये थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है स्टूडेंट्स के साथ। तो जस्ट थोड़ा सा कि ये आप लोगों को डिस्टर्बेंस के हवाले से आप बोलोगे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आप लोग अपना स्टडी सही से कैरी नहीं कर पाते, इसलिए आप हॉस्टल को ज़्यादा प्रेफर करते हो। जी वही मैं आपको पहले बता दिया, हॉस्टल में ये होता है वहाँ पे आप लोगों के लिए कोई रिश्तेदार आपको आना हो तो पहले हॉस्टल के लिए आप बहुत सारे कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे हॉस्टल है वहाँ पे रूल रेगुलेशन है, वहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, वो उसे वहाँ से परमिट आपको परमिट लेना पड़ता है, आपके पास गेस्ट आया हुआ है तो एंटर ले ओपन यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा इलाके का है मंदिरबाग के नाम से। सही, आप अपना इंट्रो थोड़ा सा बताएं जी, अपना नाम, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप क्या काम करते हो इस मुसाफिर खाने में? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, मैं बल्तिस्तान में हिंदी आवाज नाला करती शुरू काम करता हूँ, मैं इस मुसाफिर खाने को आज से 10 साल पहले से चला रहा हूँ, जिस जिस बंदे यहाँ पे आते हैं, पेशेंट आते हैं, मतलब मुसाफिर आते हैं, दोबारा आता है, बचाया जाता है, मैं उनका राहदारी के लिए बैठा हूँ और उनकी सहूलत के लिए, मतलब जितना भी हो सके मैं उनको सहूलत देना चाहता हूँ, लेकिन मतलब ये है मेरे पास तो इनके लिए सहूलत देने की कोई चीज़ देने वाली कोई चीज़ तो नहीं है, मतलब फिर भी इनको जितना भी सहूलत दे सकते हैं मैं उनकी सहूलत दे दूँगी और आइंदा भी पहले भी दे रहा हूँ आइंदा भी दे दूँगी, क्यों और जब भी इनको राहदारी की ज़रूरत होती है मैं उनको हॉस्पिटल में साथ जाता हूँ और मतलब बाजार में जहाँ भी उनको जाना होता है कारोबार में जिस जिस तरीके से उनको मेरी मदद चाहिए मैं उनकी मदद करता हूँ बस। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके रहना चाहे और अपने जो है ना सर्दियों में स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह आते भी होंगे और गर्मियों में भी अगर आए और कह रहे हैं आपसे ये कि मैं अपनी पढ़ाई जो साथ साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे रहना है, तो आप उसके लिए क्योंकि वो एज अ स्टूडेंट है और यहाँ पे परदेश में है तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाए? जी जी जी, टाइमिंग का मतलब हवाला ये है रात 10:30 बजे से गेट बंद हो जाता है। जी जी जी, जहाँ भी मुसाफिर जो इनके मुसाफिर के अंदर जो पहले से रहाइश पजीर हो इनके लिए 10:30 बजे तक आखिरी टाइमिंग है, जो सतरपुर से आता है, लाहौर से आता है, कराची से आता है, दो जगह से जो भी मुसाफिर आए उनके लिए टाइमिंग मिलती है, जिस टाइम आना हो मुझे दरवाजा खोलना पड़ता है। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आप अपना इंट्रो थोड़ा सा करवाएं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मेरा तालुक फ्रॉम दिस सिकंदर से, मैं क्लास 6 पढ़ता हूँ। और आप वहीं पे स्टूडेंट हो वहाँ के इलाके के? नहीं नहीं, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में आप स्टडी करते हो, यहीं पे करते हो, तो फिर यहाँ पे मुसाफिर खाने में आई थिंक आप स्टे कर रहे हो? नहीं, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में रहते हो, तो यहाँ पे अभी आप किस काम के लिए आए हैं? अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, इसलिए अच्छा सही। तो हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ या ज़्यादा वहाँ पे वो एक अच्छा अंदाज में रह सकता है, या फिर आपके लिहाज से जो है ना एज अ यंग स्टूडेंट के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, या फिर हॉस्टल्स में ज़्यादा बेहतर है कि कौन से दो जगह, इन दो जगहों में से स्टूडेंट को कौन से अच्छी जगह पर आना चाहिए कि जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कर सकते हो और बाकी चीज़ों में भी कर हॉस्टल में? क्यों यहाँ पर, क्यों यहाँ पर नहीं हो सकता कि आप हाउस में रह के? तो वहाँ पे तो रूल्स एंड रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट होते हैं काफ़ी, तो हॉस्टल ये जहाँ पे हाउस का एक फ़ायदा आपको ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पे जो है आपके साथ आपके इलाके के लोग होते हैं तो वो आपके साथ काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं किसी भी मामले में? सही बात, ठीक है जी। इसका मतलब कि जो हॉस्टल्स हैं वो बेस्ट है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, वहाँ पर पढ़ाई जो है अच्छी तरीके से हो सकती है और रूल्स एंड रेगुलेशन आपको हर जगह पर फॉलो करना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं अपने बारे में। स्टडिंग इस्लामाबाद, कल मैं स्टडिंग फर्स्ट ईयर। ओके, विच सब्जेक्ट? एकम। ओके, आपके लिहाज से आप हॉस्टल में रहते हो तो आप मुसाफिर खानों में क्यों नहीं आप रहते, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स तो मुसाफिर खाने में रह के पढ़ रहे होते हैं? मेरे मुताबिक हॉस्टल में पढ़ाई अच्छा होता है, मुसाफिर खाने में थोड़ा तो यहाँ पे तो आप अपने लिए अलग कमरा भी तो ले सकते हो ना? वो तो उधर मगर लोग आते हैं उधर से मिलने पड़ते हैं, तो उधर भी है एक होटल में खाना भी ठीक है, खाने में हमें खुद खाना बनाना पड़ता है, इसलिए एक वहाँ पे आपको हर चीज़ की फैसिलिटी है कि वहाँ पे आप लोगों के पास प्रोवाइड की जाती है, जैसे आपने एक काम करना तो वो स्टडी, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का सामना खुद से करना पड़ता है। ओके, इट मीन्स कि आप हॉस्टल को ही रेफर करोगे? सही है, थैंक यू जी। बोले, मेरा नाम अज़हर हुसैन है, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ता हूँ।
स्टूडेंट के लिए बेहतर है कि हॉस्टल, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का फोकस ज़्यादा होता है, स्टूडेंट के लिए जगह भी मुतन होता है, क्योंकि हॉस्टल ही जगह है स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए। मुसाफिरखाने जो लोगों के आने के जाने का बस सिर्फ यही है मुसाफिरखाना, क्योंकि मुसाफिरों के लिए, स्टूडेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुसाफिरखाना, क्योंकि ईरान से बहुत से मुसाफिर आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं फिर जाते हैं, फिर गांव से एक तो दिसंबर जनवरी में सारे आते हैं गांव से, फिर यहाँ पर बैठते हैं, फिर माहौल ही अजीब सा होता है, सारे एक दूसरे से मिलना जुलना, फिर आपस में गपशप वगैरह, इसमें स्टूडेंट के लिए वक्त ज़्यादा होता है। एक तो चौक के नाम लेकर अपना बल्दी इमाम बारगाह के नाम से हम लोग आते हैं, जब इधर पहुँचा तो गार्ड भी होते हैं, गार्ड से हमने दरियाफत करते हैं क्या इधर हम बैठने के लिए गुंजाइश है गुंजाइश नहीं है, क्या इधर हम बैठा तो हम गरीबों के लिए भी इधर कोई सहूलियत मैसर है या नहीं है, तो वो गार्ड से भी हमें दरियाफत होते हैं, फिर इधर उनका इंतज़ामिया की तरफ से सरबराह अभी ये अब्बास साहब बैठे हुए हैं, तो अब्बास साहब से हम हर किस्म की अपना ज़रूरी चीज़ें जो है अब्बास साहब से भी हम दरियाफत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, दे रहा है मिल रहा है, एक पूरा तो घर वाला माहौल यहाँ पे आपको दिया जाता है। जी जी, एक पूरा घर वाला माहौल आपको दिया जाता है ना, ये लगता नहीं कि बल्तिस्तान छोड़ के हम आए यहाँ पे, कुछ भी नहीं। यहाँ जब पहुँचा तो समझ लो मैं अपने घर में अपने बच्चों समेत यहाँ बैठा हुआ, ऐसा महसूस होता है, पुरअमन जगह है, पुरअमन माहौल है, हर चीज़ का सहूलियत है, यहाँ खाना भी यहाँ मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी रमज़ान का महीना भी जब शुरू हुआ तो शुरू से ही इफ्तारी का इहतमाम किया जा रहा है, गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए हर किस्म की शरबत से, हर किस्म के फल फ्रूट से, चावल से, रोटी से, हर किस्म की चीज़ें यहाँ। मेरा नाम आरिफ हुसैन और मैं जनूबी बलूचिस्तान में ज़िला गांछी के इलाके के से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ये किरस का मुसाफिरखाना सिटी सदर रोड रावलपिंडी में, जो कि कायम शुदा है 1985 में ज़ेर निगरानी तंजीम ग़ुलामान अली तोहार किरस, और यहाँ पे ये दो मंजिला इमारत है, तालुन नीचे रहने के लिए दो कमरे, एक किचन है, एक स्टोर है, और साथ दो दुकानें बनी हुई है, ऊपर जो है पांच कमरे एक हाल के साथ। यहाँ पे तालिबान ज़्यादातर केस के अलावा हमारे रोंदू से लेके खपरू तक के तमाम लोग आते तालिबान, क्योंकि सबसे पुराना मुसलमान है, MHCMH के करीब होने की वजह से यहाँ पे मरीजों का ज़्यादा तैयार आते हैं, जो CMH के जाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है फैसिलिटी से हवाले से कि ऊपर जितने भी जगह हैं ऊपर लेडीज़ के लिए मुख्तस किए हुए, जो जेंट्स आते हैं वो नीचे इन दो कमरे में रहते हैं, और जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कुछ हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ मुसाफिरों के लिए और मरीजों के लिए सही। यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट को आप ये चीज़ें ये जगह प्रिफेर नहीं करते हो ना, को हम यहाँ पे इंटरटेन नहीं कर सकते सही। ऊपर जो फैमिलीस आते हैं उनमें हम अलग अलग कमरे देते हैं, अगर कमरे खाली हो, अगर नहीं है तो लेडीज सबको एक जगह पे करके जेंट्स को अलग कर देते हैं, मतलब जितने भी बंदे आ सकते उसको इंटरटेन कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद अगर जगह खराब कम हो गया तो फिर उसके बाद किसी से मदद करते, नहीं तो माजरत नहीं करते। और अभी आप लोग एक बंदे का कितना आप लोग चार्ज करते हो? हमारे यहाँ पे बंदे का चार्ज जो है तालिबान पहले 80 था, अभी 100-100 के हिसाब से करते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करते कि आपने ये इतने के हिसाब से ही देना, किसी ने 10 दिन रहा तो वो 500 दे के भी जाते हैं, तो हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आपने जितना दिन रहा उस हिसाब से देना ही देना है, कोई बंदे ज़्यादा देने जाते कोई कम नहीं जाते, उसमें पैसों के हवाले से इतना सख्ती नहीं है। सही। और खाने पीने के हवाले से कैसे यहाँ पे यहाँ पे एक किचन है ऊपर किचन है, खाने पीने के लिए हवाले से किचन आपने मुहैया किया हुआ, और खाने के हवाले से कोई चीज़ अगर खुद बनाना चाहते हैं बनाने, बाकी कोई सिस्टम नहीं है। तो जो पेमेंट आप लोग उनसे चार्ज जो लेते हो उसके अंदर खाने पीने का नहीं आता, वो उनका अलग सिस्टम है। रेंट का जो यहाँ पे बिजली है, UPS लगा हुआ है, कपड़े धोते हैं, पानी का सिस्टम है, उसी के लिए हम 100 रुपये रखा हुआ है दीदी के साथ, लेकिन वो जबरी देते नहीं है हम लोगों का चीज़ है ना। तो आप अपना इंट्रो भी थोड़ा सा करें, अपने बारे में बताएं कि आप जीबी में किस इलाके से आप हैं और यहाँ पे अभी आपका क्या काम है और कैसे आप इस काम को जाते हैं। 2012 से 2018 हो गया, करीबन 5.5 साल हो गए।
आप गाइड करते हो उनको इस तरह तो सफाई का आप किस हिसाब से करते हो कि डे वाइज या मंथली इस तरह डेली करते हैं कमरों की सफाई डेली करते हैं और जब दो लोग ज्यादा तो आप बाहर से प्रेफर करते हो कि लोगों को बुला के सफाई वाले के लिए वॉशरूम की किचन की मतलब मिलजुल के घर वाला एक घराना माहौल आप लोग वो करते हो ना कि घर वाला माहौल ही है आपस में भाई वगैरह मिलजुल के बैठे सही 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 तकरीबन 4-5 साल इसके बाद फिर हमारे जो इंचार्ज जो है ना जितना सहूलियात जितना वो फैसिलिटीज जो है ना पहले नहीं था फिर इसके बाद जो हमने जो है ना मुसाफिरों की जो मुश्किल को मद्देनज़र देखते हुए हमने टैक्सी लिया अपना मुसाफिरों की सहूलियत के लिए सही ठीक है इसके बाद मैं जो टैक्सी चलाते रहा इसके बाद जो है ना सर इधर आया हुआ ये जो है इंचार्ज है फिर जो जितना किसी किस्म के जो सहूलियत जो पहले जो मुश्किल था अभी जो है काफ़ी बेहतर हुआ है सफाई हर चीज़ के लिए पहले जो थोड़ा मुश्किल था तो अभी बेहतर है काफ़ी हर चीज़ के लिए जो है मुसाफिरों के लिए भी कहीं भी जाए एयरपोर्ट आने जाना हो अस्पताल आने जाना हो तो उनके साथ जो है ना हम चल जाते हैं उनके लिए क्योंकि हमारे अक्सर लोगों को जो रास्ता पता नहीं होता अस्पताल भी जाना हो कहीं भी जाना हो और रास्ते भी थोड़ा इस वजह से हमारा अपना सहूलियत के लिए टैक्सी रखा हुआ है तो बस इनको आगे पीछे लेके जाने के लिए रखा हुआ है उसके भी चार्जेस आप लोग लेते हो मेरा अपना जाती अलग है अच्छा अच्छा